नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग लेकर। यहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर। तो विस्तार से देखिए इस बुलेटिन को और शुरू करते हैं फटाफट आज का खबरों का सिलसिला। न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में गारंटीड पेंशन के लिए आंध्र प्रदेश का मॉडल अपनाया जा सकता है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के पेंशन मॉडल की तर्ज पर एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को गारंटीड पेंशन स्कीम नाम दिया गया था। इसे मौजूदा पेंशन योजना कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह लागू किया गया है। गारंटीड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय की सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में सुनिश्चित जाती है। साथ ही इसमें हर साल महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न की दोबारा जांच कर रहा है। उन आईटीआर की खास तौर पर जांच की जा रही है जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट और राजनीतिक दलों को डोनेशन पर रिडक्शन क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 मार्च से 10 जून के बीच सैकड़ों इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत राजनीतिक दल और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस सेक्शन 138 और 148A के तहत जारी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों की पहचान की है जिनकी इनकम और डोनेशन का अनुपात स्वाभाविक नहीं है। नवंबर महीने में हायरिंग एक्टिविटी सालाना आधार पर 10% घटी है। जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म फाउंड इट के मुताबिक नवंबर के दौरान भारत में हायरिंग एक्टिविटी क्रमिक रूप से 2% घटी है। नवंबर महीने में जॉब इंडेक्स 249 रहा जो एक साल पहले 277 था। मासिक आधार पर सार्वजनिक और रक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा वृद्धि रही। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी पहलों के कारण नियुक्तियों में 14% की वृद्धि हुई। कोयम्बटूर, कोची और जयपुर जैसे शहरों में हायरिंग गतिविधियां बढ़ी हैं जबकि कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसे कुछ शहरों में नियुक्तियां घटी हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड यूएस ट्रेजरी डायनामिक बॉन्ड ETF फंड ऑफ फंड पेश किया है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है जो विभिन्न अवधि वाले यूएस बॉन्ड में निवेश करेगा। ये स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए 5 दिसंबर को खुल चुकी है और 11 दिसंबर को बंद होगी। लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम चाहने वाले निवेशकों के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल ETF में निवेश के जरिए निरंतर इनकम जनरेट करना है। NSE ने एक नया इंडेक्स निफ्टी 50 नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स लॉन्च किया है। निफ्टी 50 नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स का लक्ष्य कैश, डिविडेंड और बोनस को निफ्टी 50 इंडेक्स में रीइन्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके प्रदर्शन को मापना है। निफ्टी 50 नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स की प्राइस परफॉर्मेंस को दिखाएगा। साथ ही साथ ये सभी स्पेशल और रेगुलर डिविडेंड की शुद्ध राशि और टैक्स और कैपिटल गेंस टैक्स की कटौती के बाद बोनस से होने वाले फायदे को भी बताएगा। ICICI लॉम्बर्ड ने एक नया हेल्थ प्रोडक्ट मैक्स प्रोटेक्ट पेश किया है। इसे कस्टमर की डायनामिक लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मैक्स प्रोटेक्ट प्रतिस्पर्धी कीमत पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रदान करेगा। मैक्स प्रोटेक्ट क्लासिक प्लान के तहत एडवांस ट्रीटमेंट, डोनर एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल स्टे, अनलिमिटेड समय शॉर्ट रीसेट बेनिफिट, डोमिसियलरी हॉस्पिटलाइजेशन और अनलिमिटेड टेलीकंसल्टेशन भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। मैक्स प्रोटेक्ट प्रीमियम प्लान में ग्लोबल कवरेज, एयर एम्बुलेंस सर्विस और यूनिक क्लेम प्रोटेक्ट जैसे फीचर मिलेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ने बिल्ड फॉर भारत पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स में आने वाली चुनौतियों से निपटते हुए क्षेत्र में व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए इंडस्ट्री इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ONDC ने यह पहल गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से शुरू की है। बिल्ड फॉर भारत का इरादा स्टार्टअप कंपनी और कॉलेज से आने वाले 2 लाख से ज़्यादा प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ भारत की तकनीकी और एंटरप्रेन्योरशिप क्षमता का लाभ उठाना है। इस पहल को देश के 50 से ज़्यादा शहरों में शुरू किया गया है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि सभी बैंकों ने पिछले 5 साल में करीब 10.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किए गए कर्ज में से करीब 50% कर्ज बड़े औद्योगिक घरानों के हैं। करीब 2,300 कर्ज लेने वालों ने जानबूझकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इन सभी कर्जदारों के ऊपर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की राशि का कर्ज बकाया है। RBI के दिशा निर्देशों के मुताबिक NPA के 4 साल पूरा होने पर फुल प्रोविजनिंग करके बट्टे खाते में डालकर बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार आने वाले सालों में रफ्तार पकड़ सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि मार्च 2030 तक इसका आकार दोगुना होकर 100 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड के बाजार में वृद्धि के पीछे पूंजीगत व्यय बढ़ना, ढांचागत क्षेत्र का आकर्षण और बचत के वित्तीयकरण जैसे कारण हो सकते हैं। मार्च 2023 से पहले के 5 सालों में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार 9% की दर से बढ़ते हुए 43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एमजी मोटर इंडिया जनवरी से अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा है कि महंगाई और जिंसों की बढ़ी हुई कीमत के कारण दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एमजी मोटर ने अभी ये नहीं बताया है कि वाहनों की कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी। इससे पहले मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा और ऑडी इंडिया भी अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। रॉयल एनफील्ड ने पुरानी बाइक को खरीदने और बेचने की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने इसके लिए रियोन नाम की सुविधा शुरू की है। इसमें पुरानी मोटरसाइकिल्स को मौजूदा और संभावित ग्राहकों को रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदने या बेचने का ऑप्शन दिया जाएगा। रियोन सुविधा कंपनी के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई आउटलेट में उपलब्ध होगी। तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस की खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए फिर से मनी9 के साथ। नमस्कार।